हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। तो आज का मैं ब्लॉग आज भी मैं रात को ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मार्केट गई थी और वहां से मैं अपने बेटे के लिए कुछ लाई हूँ और वो भी है सरप्राइज। क्या है ये है स्केट्स। उसका बहुत दिन से उसने मेरे पास एक मुझसे बोला था, मम्मा मेरे लिए स्केट्स ला दो। तो मैं आज लेकर आई हूँ। अभी स्केट क्लास छोड़ूंगी या नहीं कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ उसे अभी गिफ्ट कर दूंगी, उसे दे दूंगी और उसके बाद देखूंगी क्या करना है। और तो चलिए उसका रिएक्शन कैसा होता है सरप्राइज पाके। उसे पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हम चुपके चुपके चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए। वाओ, ड्राई स्केट्स। थैंक यू मम। वाओ वाओ मैं ये जो स्केट्स लाई हूँ ना, ये मतलब ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है। इसका और भी बहुत सारे वेराइटीज के स्केट्स आते हैं, पर उनका फर्स्ट स्टेज में यही स्केट्स यूज़ करते हैं, हर कोई यही यूज़ करता है। पर अभी मैंने वो सेफ्टी ग्लव्स वगैरह लाई नहीं, हेलमेट भी मैंने नहीं लाया, देखती हूँ। पर मेरे बेटे का कहना है कि वो यूट्यूब से ही वीडियोज़ देख देख के सीखेगा, छुट्टी होता है, तो मैं अगर उस पर क्या डिसाइड करते हैं उनसे पूछूंगी, वो क्या कहेंगे, उसके बाद उस पर मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। तो इसे पहले मेरे बेटे के साइज़ के पैरों के साइज़ के हिसाब से इसे सेट करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ स्क्रू की तरह है कुछ, अभी देखती हूँ कैसे खोलते हैं इसे। सीमा ही नहीं है। अब मैं आई हूँ डिनर बनाने। आज कल मैंने बताया था ना, मैंने इडली के लिए बैटर तैयार करके रखा है, तो आज मैं इडली बनाऊंगी और कोकोनट चटनी, हो सकता है तो अदरक की चटनी भी बनाऊंगी। देखते हैं तैयारियाँ। इडली का बैटर मेरा रेडी हो गया है। सुबह ही मैंने इसे ग्राइंड करके सूजी डाल के रख दिया था।